टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमें टाइम दिया है मोमिन मलिक साहब ने। मोमिन मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे पास टाइम थोड़ा है क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं केसेस के हवाले से। मोमिन मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और स्पेशली हमें टाइम देने का। मोमिन मलिक साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ दिस केस, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर। There are 11 cases are pending before the honorable courts and all are the under process. In one case who is pending in family court, the honorable court has issued the notice, legal issues the appearance notice to the Seema Haider, Gulam Haider, Sachin Meena, Dr. AP Singh and one is Pandit who has completed the illegal marriage of the between the Seema Haider and Sachin Haider. And this case is fixed for 27th of May, and I hope they will all appear before this honorable court, and the next person will be start. अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि गुलाम हैदर को एविडेंस के लिए कब बुलाया जा रहा है, क्योंकि आपने भी वीडियो में कहा था कि अदालत गुलाम हैदर को भारत बुला रही हैं और आप उनको स्पॉन्सर करेंगे, तो इसमें कोई लीगल ट्रबल तो नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने जो एपी सिंह साहब है वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि कोई ट्रबल होगा और गुलाम हैदर एविडेंस के लिए नहीं आ सकते। मैं यहाँ पर लीगल पॉइंट क्या है, गुलाम हैदर एविडेंस के लिए आएंगे 10 जून उसके लिए लगी हुई है और 10 जून में ये केस लगा हुआ है एविडेंस के लिए। जो हमारी एविडेंस होनी है केसेस के अंदर, 3 केसेस के अंदर, वो 10 जून ऑनरेबल कोर्ट ने फिक्स की है। और अगर हमारा इंडियन हाई कमीशन, क्योंकि हमने सारी चीजें मुकम्मल कर ली हैं लीगल रूप से, और हमारा इंडियन हाई कमीशन टाइम पर गुलाम हैदर को और जिन जिन लोगों को हमने कहा है वीजा दे देता है, तो जरूर गुलाम हैदर जो है वो भारत में आएंगे और अपनी एविडेंस को पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है सर, गुलाम हैदर भारत आएंगे और एविडेंस को क्लियर करके वो फिर जाएंगे। सर आप क्या समझते हैं, मुझे आपकी एक, क्योंकि सर मैं भी खुद लॉ का स्टूडेंट हूं, तो आपको एक लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। ये केस खास तौर पर जो बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाएंगे भारत गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कितना टाइम लगेगा? ये क्योंकि मामला, क्योंकि प्रोसीडिंग सब जुडिस है, मामला पेंडिंग है न्यायालय में, तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना टाइम इसमें लगेगा ऑर्डर करने में। हम अपनी बात रखेंगे, अपने सबूत रखेंगे, अपनी एविडेंस को कराएंगे, तो ये माननीय न्यायालय पर है कि कितना टाइम लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम माननीय न्यायालय के सामने ये बात रखेंगे ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि ये वीजा पे आया हुआ है और कम अवधि, कम शॉर्ट टाइम है इसके पास, तो कोशिश करेंगे कि उसके शॉर्ट टाइम में उसकी जो लीगल बैटल है वो पूरी हो जाए, जो ट्रायल है वो पूरा हो जाए और पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स मिले। अच्छा सर, इस हवाले से आज कल एक एपी सिंह साहब ने भी इंटरव्यू दिया था, उस पर आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की थी और काफी संगीन इल्जाम लगाए थे, उसके लिए आप डिफेमेशन का सूट फाइल करेंगे एपी सिंह के खिलाफ, कोई बार काउंसिल के खिलाफ आप लिखेंगे उनकी कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस के लिए? नहीं, अगर अभी तो हमने लीगल नोटिस दिया उसको 10 करोड़ रुपए का, और सचिन मीना को भी दिया है, और गुलाम हैदर की जो वाइफ है सीमा हैदर उसको भी हमने 10 करोड़ का लीगल नोटिस दिया है, और 7 दिन का टाइम दिया है। अभी टाइम है 7 दिन का कि वो खुले रूप से दुनिया के सामने आके माफी मांगे और हर्जाने के रूप में ये रकम अदा करें, जुर्माने के रूप में, हर्जाने के रूप में जो मानहानि की गई है, जो रेपुटेशन का डिफेमेशन किया गया है, तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ जो ना वो अगली कार्रवाई होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अभी 7 दिन का समय है, टाइम है।
सर मेरा यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले में गुलाम हैदर भी आपसे रबते में है, आप उनसे रबते में है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी हो कोई इस हवाले से? गुलाम हैदर तो टच में है मेरे, तभी तो सारी कानूनी कार्रवाई चल रही है। कोई बात पूछनी होती है, बतानी होती है, कोई सबूत की जरूरत होती है कुछ, क्योंकि उसको ही पता है ना सारी बातों को, कब कहाँ कैसे हुआ, तो सारी उससे इंक्वायरी करने के बाद ही केसेस में लिखा जाता है, वो फैक्ट लिखे जाते हैं, वो ग्राउंड्स तैयार किए जाते हैं, वो सरकमस्टांसेस उसके अंदर लिखा जाता है, वो सारी जानकारी हमें गुलाम हैदर ही बताता है। और ये अंसार वर्णी ट्रस्ट की तरफ से भी जो जानकारी हमें चाहिए वो हमें बताते हैं, तो वो सारी डिस्कस करने के बाद ही कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ठीक है सर। सर फिर यहाँ पर सर हमें एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए आपका, वो ये कि फॉर सपोज बच्चे तो डिपोर्ट होंगे टू द फादर, तो ऑब्वियसली सीमा को तो कन्विक्शन होगी क्योंकि शी एंटर्ड इनटू द इंडिया इलीगली, वो बगैर डॉक्यूमेंट के इंडिया आई हैं। तो उस हवाले से आई थिंक आपने एक प्रोग्राम में इंडियन फॉरेनर्स एक्ट का रेफरेंस भी दिया था, जिसके सेक्शन 16 या आई थिंक कोई उसके तहत उसको 5 साल की सजा हो सकती है। इज इट पॉसिबल? सेक्शन 14 इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 अंडर सेक्शन 14 ए इंपोज किया गया अभी। सर इज इट पॉसिबल कि उसको सजा मिलेगी इंडिया में? बिल्कुल 101% कराएंगे उसको सजा, कम से कम 5 साल की सजा कराएंगे उसको, कम से कम जो उसने अपराध किया है। तो समय आ गया है, जल्दी कानूनी कार्रवाई हमने तेज कर दी है, उसको सजा कराएंगे। अच्छा सर ठीक है। अच्छा सर तो ये 5 ईयर्स यहाँ पर सीमा हैदर अपने भारत में कैद खाने में गुजारेगी, तो इसी दौरान जो बच्चे हैं वो बायोलॉजिकल फादर के पास जाएंगे? वो कोर्ट के सामने वो तो पहले ही जो गुलाम हैदर आ जाएगा वो तो पहले ही, ये सब चीजें तो ऑनरेबल कोर्ट में पहले ही हो जाएंगी। और सीमा हैदर को सजा कराने में, क्योंकि जब तक चार्जशीट नहीं आती तो समय लगेगा, लेकिन ये बच्चों वाला जो मसला है वो पहले ही हो जाएगा। राइट सर। सर इसी हवाले से गुलाम हैदर सर मेरे एरिया का है, मैं और हम जो है वो सिंध प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, सिंध से, तो गुलाम हैदर भी सिंध का है और सीमा भी सिंध की है। गुलाम हैदर से सर मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपका टारगेट क्या है, आपके बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा सीमा चाहिए, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो हमें पाकिस्तानियों और जो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस जो हैं वो आप पर सर प्राउड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोशन अली अजीम एडवोकेट थे, उनको वीजा प्रॉब्लम थी। देखिए लीगल प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, चल रही है, अंडर प्रोसेस है, तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैं जनरली प्लेटफॉर्म पे उनको उनके बारे में बताना ठीक नहीं होगा, और उस पर कार्रवाई चल रही है, जैसी वो कार्रवाई पे अमल होगा, पॉजिटिव ऑर्डर पास होगा तो मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि चारों तरफ से इनको हमने कानूनी रूप से घेर लिया है, और इनको कानूनी रूप से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इनके जहन हैंग हो गए हैं, और इन पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और ये लोग जेल में जाएंगे। जी जी सर, सॉरी सर इंटरप्शन हो गई थी। ये सर आप बात कर रहे थे?
चारों तरफ से कानूनी रूप से घेर लिया इनको हमने, कोई इनका कानून किसी प्रकार का कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा है कि ये अपने आप को लीगल सेव कर पाए, और उससे ये लोग हड़बड़ा गए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनके जहन हैंग हो गए हैं, और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मकसद से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत किस्म के आरोप लगा रहे हैं, जिनका हमने लीगल नोटिस के रूप में इनकी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और सर आप अपना ख्याल भी करें, क्योंकि आपके ऊपर भी एक कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं आए दिन प्रोग्राम में, खासतौर पर एपी सिंह कोई प्रोग्राम करता है, आप पर एक संगीन किस्म के इल्जाम लगाता है, और एज एन एडवोकेट में इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे भारत के लोग जानते हैं इसके बारे में, मेरे भारत के लोग मेरे बारे में भी जानते हैं, हमारे देश की माएं बहन बेटियां नौजवान बुजुर्ग सब लोग मेरे बारे में जानते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ये कुछ भी कह देगा तो इसको कोई सब हल्के में ले रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा इसको। तो हमने कानूनी कार्रवाई की है तो इसको सजा मिलेगी इस बात की, इसको हम कानूनी रूप से बख्शेंगे नहीं, इसको कानूनी रूप से सजा दिलाएंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, और सर नेक्स्ट टाइम हम आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो।